हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपसे बायोकेमिस्ट्री की, और बायोकेमिस्ट्री में हम आपसे मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आपसे बात करते हैं इस वीडियो में डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, देयर आर सेवरल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, सम ऑफ विच आर फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट। तो कुछ डेरिवेटिव्स हैं किसके, मोनोसैकेराइड्स के, और वो फिजियोलॉजिकली यानी कि वो कार्य में काम भी आते हैं। तो ऐसे हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं, जैसे शुगर एसिड्स। पहला कौन है, शुगर एसिड्स है। तो ये शुगर एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप इन मोनोसैकेराइड रिजल्ट इन शुगर एसिड। अगर ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड या प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप का, तो जो मोनोसैकेराइड जो बनाता है वो शुगर एसिड बनता है। ग्लूकोनिक एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लूकोज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड जो ग्लूकोज है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो उससे ग्लूकोनिक एसिड बनता है, C1 वाले ग्रुप से। वेयर ग्लूकोरोनिक एसिड इज फॉर्म वेन प्राइमरी एल्कोहल C6 इज ऑक्सीडाइज। जब C6 ऑक्सीडाइज होता है तो उसके बाद में बनता है ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोरोनिक एसिड किस प्रकार से बनेगा और ग्लूकोनिक एसिड किस प्रकार से बनेगा, इसके बारे में हमने आपसे बात करी। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शुगर एसिड्स। कौन कौन से हैं, ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड दोनों। अब हम बात करते हैं आपसे शुगर एल्कोहल्स की बात करें, जिनको पॉलीओल्स भी कहा जाता है। दे आर प्रोड्यूस बाय रिडक्शन ऑफ एल्डोजेज एंड कीटोजेज। तो वहाँ ऑक्सीडेशन से मिल रहे थे, अब ये शुगर एल्कोहल मिल रही है आपको रिडक्शन से। एग्जाम्पल, सॉर्बिटॉल इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज एंड मैनिटॉल फ्रॉम मैनोज। तो सॉर्बिटॉल जो है वो ग्लूकोज के रिडक्शन से बनता है, और मैनिटॉल है वो मैनोज के रिडक्शन से बनता है। तो ये क्या है, ये शुगर एल्कोहल्स या पॉलीओल्स है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एल्डिटोल्स की, तो द मोनोसैकेराइड्स ऑन रिडक्शन यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। अगर मोनोसैकेराइड्स का रिडक्शन होता है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स बनते हैं, जिनको हम एल्डिटॉल भी कहते हैं। जैसे रिबिटॉल जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेविन कोएंजाइम, ग्लिसरॉल एंड मायो एनोसिटॉल आर कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स, और जालिटॉल इज ए स्वीटनर यूज इन शुगरलेस गम्स एंड कैंडीज। तो ये एल्डिटॉल के एग्जाम्पल है और उनके काम हैं कि रिबिटॉल जो है वो फ्लेविन कोएंजाइम का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ग्लिसरॉल एंड मायो एनोसिटॉल जो है वो कंपोनेंट हैं लिपिड्स के हैं, और जायरिटॉल है वो स्वीटनर है और वो शुगरलेस गम्स और कैंडीज में काम में आता है। अब इस हिसाब से करते हैं, अमीनो शुगर्स की बात करते हैं। वेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर रिप्लेस बाई अमीनो ग्रुप्स, तो यहाँ रिप्लेसमेंट होता है। अगर मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप के द्वारा क्या होता है, रिप्लेस होता है, तो अमीनो शुगर बनते हैं। द प्रोडक्ट इज फॉर अमीनो शुगर्स। एग्जाम्पल, डी ग्लूकोजामिन, डी गैलेक्टोजामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अमीनो शुगर्स बनती हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दे आर प्रेजेंट एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के क्या है, कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एन एसिटाइल न्यूरमिनिक एसिड, जिसे हम नाना शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज ए डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल मैनोज एंड पाइरुविक एसिड। इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। आगे बात समझ में, द टर्म सिलिएक एसिड इज यूज टू इंक्लूड नाना एंड इट्स अदर डेरिवेटिव। तो सिलिएक एसिड जो है वो नाना और उसके अदर्स जो डेरिवेटिव्स है
उनको बताने के लिए सिलियक एसिड काम में लिया जाता है। सर्टेन एंटीबायोटिक्स कंटेन अमीनो सुगर्स विच मे बी इन्वॉल्व इन एंटीबायोटिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी अमीनो सुगर्स रखती हैं जो कि एंटीबायोटिक एक्टिविटी देती है, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन होती है वो क्या है, अमीनो सुगर से मिलकर के बनी होती है। अब हम बात करते हैं डी ऑक्सी सुगर्स की। तो दीज आर द सुगर्स दैट कंटेन वन ऑक्सीजन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द पेरेंट मॉलिक्यूल। तो इनमें एक ऑक्सीजन कम होती है, तो हमने आपसे बात की थी इसके बारे में भी, पहले बात कर चुके हैं पहले वीडियोज में। द ग्रुप CHOH एंड CH2OH बिकम CH2 एंड CH3 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। D2 डीऑक्सीराइबोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीऑक्सी सुगर सिंस इट इज ए स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ DNA इन कॉन्ट्रास्ट टू डी राइबोज इन RNA। फ्यूजन स्टेनिंग कैन स्पेसिफिकली डिटेक्ट डीऑक्सीराइबोज एंड दस DNA इन टिश्यूज। तो ये फ्यूजन जो स्टेनिंग, इसको आप ध्यान रखें, ये क्या काम आती है, ये डीऑक्सीराइबोज जो सुगर है उसको डिटेक्ट करती है, उससे क्या है उसका DNA जो है टिश्यू में उसको फाउंड कर लिया जाता है, ठीक है। फ्यूकोज इज ए डीऑक्सी एल गैलेक्टोज फाउंड इन ब्लड ग्रुप एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप एंटीजन में जो डीऑक्सी एल गैलेक्टोज होती है वो पाई जाती है एंड सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये डीऑक्सी सुगर इनमें मिलती है। आगे बात समझ, अब हम बात करते हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी कहते हैं। दिस इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन द स्ट्रक्चर ऑफ विच क्लोजली रिजेंबल दैट ऑफ मोनोसेक्राइड, जो मोनोसेक्राइड्स के लगभग लगभग स्ट्रक्चर सेम होती है। तो ये थे हमने आपसे बात की डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड जो कि मोनोसेक्राइड से मिलकर से किसी ना किसी तरीके से बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आपसे बात की किसके बारे में, सुगर एसिड्स की बात की, सुगर एल्कोहल की बात की, एल्डिटोड की बात की, अमीनो ग्रुप्स की बात की आपसे, ठीक है, अमीनो सुगर्स की बात की, डीऑक्सी सुगर्स की बात की, एल एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की बात की। तो अगला जो वीडियो है उसमें हम डाइसेक्राइड्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें, और चैनल को और वीडियोज़ को शेयर करना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद।